हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड 14 में IPadView एंड 90 FPS। सो पहला स्टेप ये है कि आप लोग अपना गेम में जो भी आपका सेटिंग्स है, जैसे कि हमारा कंट्रोल लेआउट मैनेजमेंट हो गया, उसका कोड आप लोग कॉपी कर लें। उसके बाद आप लोग एक आ रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आपको टाइप कर देना है, आपको आ जाएगा पेयरिंग सक्सेसफुल। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टार्ट मारना है। स्टार्ट दबाने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे कभी कभी एरर आता है, तो आपको वायरलेस डिबगिंग और एक बार एनेबल डिजेबल करके एक बार देख लेना है, वो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। आपके पास अगर जायमी डिवाइस है, वहाँ पे आप लोग एक सिक्योरिटी करके ऐप होगा, वहाँ पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए, सिक्योरिटी स्कैन सेटिंग्स में जाइए। वहाँ पे आपका दो ऑप्शन आएगा, स्कैन बिफोर इंस्टॉलिंग, अपडेट डेफिनेशन ऑटोमेटिकली, उसको ऑफ कर दीजिए, सिक्योरिटी स्कैन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको FB फाइल मैनेजर ऑन करना है, अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ ऑल द टाइम सीजुकू को भी आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद ओपन ADB यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका देखना है, आपको एक ब्रिज आइकॉन जैसा आएगा, जैसे ही आएगा तो वो आपका कंफर्म है। तो आप लोग यहाँ पे PUBG का जो हमारा जो BGMI का डायरेक्टरी है, उसके अंदर आप लोग जाइए। ठीक है, जाकर वहाँ पे सेव गेम्स तक पहुँच के आप लोग छोड़ दीजिए इधर ही। ठीक है, अभी रेड सेटिंग्स जो आइकन आया होगा राइट साइड पे, वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सेल चल रहा है कि नहीं बैकग्राउंड में। उसके बाद क्या करना है, आपको गूगल खोलना है, वहाँ पे सेव एडिटर टाइप करना है, और सेव एडिटर टाइप करने के बाद आपको पहला वाला पेज पे चले जाना है। वहाँ पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दो फाइल दिया हुआ है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और ये जो अपलोड फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, FPS टाइप करना है, 3 वैल्यू आएगा, FPS लेवल, बैटल FPS, लॉबी FPS, वो सबको आपका 5, 4 कुछ भी होगा, उसको आपको सबको 7 कर देना है अगर आपको 90 FPS चाहिए। अभी हम लोग active.svb फाइल का कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, TP टाइप करना है, TP व्यू वैल्यू जो है उसको 120 कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड कर लो फाइल को। सेम आपको ये करना है सेटिंग्स कॉन्फिग डॉट स्लॉट डॉट svb फाइल के साथ, सेम आपको वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करके आपको बैटल FPS, लॉबी FPS एंड जो तीसरा जो ऑप्शन है, वो तीनों में 7 वैल्यू डाल देना है आपको। तो ये क्या करेगा, आपका 90 FPS एनेबल कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पे भी सेम TP टाइप करिए, सर्च करिए, TP का जो पहला जो आएगा TP व्यू वैल्यू, उसको आप लोग क्या करिए, 120 कर दीजिए। ये है आपका iPad व्यू एनेबल करेगा। स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड कर लीजिए इस फाइल को। वंस आपका डाउनलोड हो गया, आपको क्या करना है, ये चीज़ को कॉपी करना है अपना गेम डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, आपको SD कार्ड्स पे क्लिक करना है, राइट साइड पे जाके SD कार्ड्स पे क्लिक करके दोनों जो फाइल है, देखिए हमारा डाउनलोड फोल्डर में है, इसको करना है सिलेक्ट, कॉपी करके लेफ्ट साइड में आके आपको ओवरराइट कर देना है, पेस्ट करके ओवरराइट पे आपको क्लिक कर देना होगा। वंस हमारा कॉपी डाउन हो गया, आप लोगों का काम खत्म, आप लोग गेम ओपन कीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं आपको एक गेम खेल के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग नूसा मैप के अंदर हम लोग घुसेंगे। ठीक है, नूसा मैप के अंदर आप लोग जैसे ही लैंड करोगे, देखो आप एक सेकंड होल्ड करो, एक जैसे लैंड करेंगे एंड बूम, हमारा iPad व्यू चलने लगा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं किल करके आपको दिखाता हूँ। वीडियो पसंद आया आपका चला तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।